क्या कह रहे हो? तो ठीक ठाक हो गया सब बढ़िया ही है। कुछ गलत होता तो फोन आ ही जाता। अरे भाई हमने सारा रात फिर हमला करने आया। ये तेरे को मारेगा, तेरा रैपट ही रैपट बजाएगा। आप लोग हंस रहे हो ना, तो ये भी खेलने के उसमें। अरे भोगा, अरे भौंका, दिन में पहली बार भौंका। दिन में मैंने पहली बार भौंकी सुनी है इसकी। पहली बार चार बार आ चुका मैं यहाँ पे, एक बार नहीं भौंकता। जल्दी चले जाना सर, सही रहते हैं। जल्दी चले जाए टाइम से उसका ठीक रहता है। ये देख, ये देख शीशे में, ये देख, तुमने दिखाया थोड़े। हाँ हाँ, पाब्लो छीन गया, फोन छीन गया। अभी शेक हैंड्स, शेक हैंड्स। खाने के टाइम करता है, वैसे नहीं करता। नहीं कर लेता है। ओए शेक हैंड्स, देखा कर लेता है। तेरा जबड़ा दबाएगा ना तेरे हाथों के बीच में। ये लो, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर। सुनो, इसका नाम मैं दूंगा व्यूज। ओए दे चुके हो उसके दांत। वो अभी नेहा आएगी देखना, पहने दांत हो गए भैया। नेहा को इसमें मुंह डाल दूं कैमरा? हां भाग देता हूं स्टोरी में। हां दोस्तों, इसके मुंह के अंदर का। इधर आ पाब्लो, इसके दांत दिखा दो ना। नोज़ दिखा। नहीं कुछ मम्मी, भाई ये क्या है? ये कुत्ता है कि क्या है? ये देखो मेंढक की तरह बैठ जाता है। चमगादड़ ऐसे बैठते हैं जैसे दीवार पे। क्या ये निखिल है? क्या ये नोनी? क्या ये छोड़ो सब, मुझे इससे ज्यादा आपको पता गौरव तनेजा ने डेली व्लॉग बंद कर दी है। ये अनपेड प्रमोशन। कभी तूने हमारे ब्लॉग के बारे में बोला भैया? आपका नहीं है, दो दिन से नहीं आया है। बोला था आज शाम को हमारे नहीं थे। चलो ठीक है, एक दिन तो शांति। चटनी बड़े मेहनत करो, छोटे लगे पड़ नहीं पाओ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज आया विकासपुरी, रात के बज रहे हैं 1:30-2, और यहाँ बैठ गए। पूरे घर वालों की चुगलियाँ चल रही हैं, अंधाधुन बदतमीजी फैला रखी है, किसी को नहीं छोड़ा। सब घर के बड़े बूढ़े छन छन के गंदा बोला जा रहा है। एक हमारे जान पहचान के भाई हैं जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एक दूर के कज़िन है, और अब निखिल बताएगा यूट्यूब चैनल में भाई क्या करते हैं। नाम नहीं लेंगे हम, देखो ये हमारा दोस्त ही है, भाई है। एक वीडियो थोड़ी फनी बन। कोरोना कोरोना है उसका। वो तो क्या करता है, कच्चे तीन कच्चे नींबू लेगा, तीन कच्चे नींबू के साथ डालते टेबल पर रख देगा, कैमरा खोल के, हाय गाइस मैं कैसा लग रहा हूँ आज, मैं आपके सामने तीन नींबू पड़े हैं, मैं आपको कच्चा कर दिखाऊंगा। कच्चे लेगा गाइस, ऐसे काटा और ऐसे खा लिया। गाइस मेरे को आपको कैसा लगा? मानो तो बहुत छोटा लग रहा है। तीन नींबू तो कच्चा कच्चा काल के सिकंजी बना के पी ले। कभी कभी क्या करेगा, गीले प्याज लेगा, मक्खन में लेके उसका ऐसे खाएगा। क्या चीज? गीले प्याज होता है ना, मतलब उसको प्याज हरी चटनी लेगा, उसको मक्खन भी डाल देगा। उसके बाद रूअब्जा ले लेगा, होता कच्चा रूअब्जा, खाली बोतल खोली और यू पी जाएगा। गाइस बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा हूँ। कौन सी गाली बकू लिख के बता कमेंट सेक्शन में मुझे, कौन सी गाली बकू लिख के बता। मजाक कर रहे हैं, ये मत डालना। कह रहा है ये मत डालना। देखो भाई साहब, जिसके जो मर्जी घर हो, एक आपको व्लॉग में देख के लगता है कितनी हैप्पी फैमिली है, पर इंटरनल कलेश तो रहते ही है सबके। हमने अपने घर का बता दे, एक जो गिफ्ट आया तुम्हारे घर दूसरी शादी की है। साले चुप कर। मेरे को डर है पापा तीसरी ना कर ले। चुप कर, ये वाला नहीं डालेंगे। अरे यार क्या दिक्कत है, डाल दो, क्या दिक्कत है, चलेगा। पब्लिक कहते हैं कलेश चाहिए, तब सुनो ना कलेश मेरा सुना तो रात को बैठ के। पब्लिक कहते कलेश चाहिए, ठीक है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी आंख एकदम चमकती है कंचे की तरह। चलो भाई विकासपुरी में कबाड़ी वाले ने स्पीकर लगा लिया भाई।
ये स्पीकर से आवाज आ रही है। खत्म हो गई भाई, ओरिजिनलिटी खत्म हो गई है, हर कोई लिपसिंग कर रहा है। ये देखो कबाड़ टमाटर बेच रहे हैं, कबाड़ कबाड़ वाला है, नहीं लाल टमाटर है। सब लिपसिंग कर रहे हैं भाई, सबने बंद कर दिया मेहनत करना। जस्टिन बीबर से लेके कबाड़ी वाला, टमाटर वाला, हर कोई लिपसिंग कर रहा है भाई। थोड़ी गले से आवाज आती है, बंदों को मन करता है दे जरा कबाड़ दे टमाटर लेकर के आए, तो टमाटर सेम आवाज चल रही है, मजा नहीं आ रहा भाई। यो मैं ना विकासपुरी आ रखा हूँ, और मेरे को ना अभी पापा छोड़ के चले गए दुकान पे अकेले, बेसिकली वो माल लेने के लिए गए हैं अभी कहीं, तो कल बनारस जा रहे हैं, और मेरे को छोड़ के दुकान पे अकेले। और एक कस्टमर आ गई भाई, कसम से उसका ऐसा विश्वास उठा होगा ना, मेरे को कुछ आता ही नहीं कुछ भी, लिटरली एक जीरो आइडिया। कह रही है सूट है कि सूट लेंथ है, मैं कहा मैम सूट लेंथ, सूट की क्या लेंथ है मुझे क्या पता, वो तो मुझे बाद में चला। सूट माने स्टिच, सूट सूट लेंथ माने कपड़ा। फिर उन्होंने मेरे से भाई, मैंने कहा मैम एक काम करो आप देख लो, उन्होंने दो कपड़े देखे, मैंने कहा मैम ये लो ये देखो। कह रहे अरे बेटा ये तो रुको मैं ही देखती हूँ, तो मैंने उनको अंदर बुलाया, मैंने कह रहे देखो, तो वो मेरे को सिखा के जा रही हैं यहाँ से। सुनो बेटा ये ना कॉटन होता है, ये वाला कपड़ा जो है ये कॉटन होता है, ये चिकन का होता है, ये कुछ और काम होता है। तो मैं कहा ठीक है, कह रहे बताओ आप तो शॉप पर आपको आइडिया रहना चाहिए। उनको मैं कैसे बताऊँ, मैं रोज़ यहाँ नहीं बैठता हूँ मुझे क्या पता यार, ऐसा गंदा मेरी दिल की धड़कन दे रही ना। एक्चुअली जैसे ही सामने वाले शीशे से कोई अंदर घुस रहा होता है ना, मेरी फट जाती है। मतलब वो अभी तक तो दो लोग, एक ने गाड़ी रोकी थी और बड़े से एकदम अमीर साहब भी गुजरा था, मैंने कहा भाई साला ये तो मोटा बिल बनाने के जाने वाला है, मेरी वजह से जीरो लेगा। फिर लकीली वो साइड वाली दुकान पर घुस गया, मैं कहा ठीक है। फिर वो आंटी आ गई यार दुकान में, गलत बात नहीं आने चाहिए, पर ऐसी बुरी हालत हुई ना मेरी, ऐसी बुरी हालत, कुछ नहीं समझा पाया मैं कुछ भी नहीं वो बेचारे को। एंड में मैंने फिर पापा को फ़ोन करा, पापा घर पर, वो वॉशरूम में बैठे हुए। अरे हमारे घर पर कोई सिंपल काम चलता ही नहीं है एकदम। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आंटी कह रही चलो ठीक है मैं आती हूँ बेटा दोबारा, तो आई होप शी कम्स अगेन। और ना आज एक कस्टमर तो मैंने ले लिया। फिर दोस्तों देखो पापा आज गया माल लेने के लिए शॉप पे, शॉप पे दो यंगस्टर्स के हाथ में शॉप देखे, ये चलाएंगे शॉप कोई नहीं, गल्ला गुल्ला इधर छोड़ करके बंदे बैठ के अपने बर्गर खा रहे, बर्गर हो इनको बर्गर खाओ, इनको कोके पिला। बहुत सुंदर है भैया, भैया पैसे दे दे भैया। कौन? अच्छा वो भैया भाई मैकडोनल्ड के बाहर तो भिखारी ऐसे एक तो प्रोफेशनल रखे है, पूरी शर्ट पड़ खींची की साड़, कह रही भैया दे दे पैसे दे दे, नहीं छोड़ते वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते है ना, लगे रहते हैं वो पीछे। ये देखो लो दोस्तों, बड़े बूढ़े ना हो दुकान पे तो ये करे आजकल की जनता दुकान पे बैठने के नाम पे। अच्छा वो वाला व्लॉग जो मैंने इससे पहले अकेले डाला है ना, इनको मैंने बता दिया व्लॉग में कि मैंने कस्टमर भगा दिया। वो कस्टमर मेरे को समझा के गई बेटा ये सिंथेटिक होता है ये कॉटन होता है, और जो मेरे को सिंथेटिक बोल के सिंथेटिक था भी नहीं कॉटन ही था, पर मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं बोल पाऊँ कि मैम मैम कॉटन ही है, मैं नहीं पता। जब जब सामने से कस्टमर आता मेरी हालत, अभी भी दो लोग उतरे थे एक आंटी और एक अंकल गाड़ी से, तो मैं तो थोड़ा कांपना शुरू हो गया, जाता है वो। मैं क्या दिखाऊंगा, अरे बाप रे बाप क्या दिखाऊंगा, तेरे नहीं होता अब अगर अकेले बैठा तो होता है। कभी तूने बेचा कुछ आज तक अकेले? ऐसा कोई मौका आया नहीं है, ऐसा कोई मौका नहीं है। आएगा पहले पूरी आएगा निपा है इसे दुकान पे पहले पूरी क्या दुकान पे पूरी पहले कहीं कुछ बेचूंगा। अभी देखना अंबानी देखेगा ना ये सीन तो चिल्लाएगा करके, मजाक लगा रखा तुमने शॉप का, क्या मजाक है कोई शॉप नहीं। नोनू तो खिलस्ता है बोलता नहीं बेचारा, अरे बाहर कस्टमर है ना वो अंदर ना आ जाए। अरे ऐसे खड़े दुकान पे कह रहे बाहर कस्टमर अंदर ना आ जाए डर सब। दोस्तों क्या कह रहे हैं आजकल के नए बच्चे, तो कह रहा मेरे फॉलोअर बढ़वा दो, कर मेरे चोरी डाल के फॉलोअर बढ़ा दो, मेरे फॉलोअर बढ़ा दो, क्या करेगा फॉलोअर लेकर के? थोड़ी पढ़ाई ले लेना, थोड़ी पढ़ाई कर ले बैठ करके घर पे, कह रहे फॉलोअर बढ़ा दो, फॉलोअर क्लब हाउस तो हट गया फोन से, क्लब हाउस भाई 8-8 घंटे आज के बच्चे क्लब हाउस में बिता रहे यार, साला का कुछ काम नहीं है क्या? कह रहे मेरे फॉलोअर बढ़वा दो, ब्लू टिक वाली रील कमिंग सून। धीरे बोल धीरे बोल, क्या बोल रहा है मैंने मना करा ना ब्लॉग में ये सब नहीं बोलना, टट्टी नहीं बोलना बिल्कुल, नोनू है असली रिंग मास्टर यहाँ का, नोनू 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 सर्कस सर्कस में शेर भगाएगा थोड़े दिन में, जिस हिसाब से कुत्ते कंट्रोल कर रहे हैं ना, देख चुप हो गया एकदम भाई, ऐसा बकलोल तो रखा था ना 2 मिनट पहले, तो ये नोनू को चुप बोलते चुप हो गया। कौन नानी? नानी अच्छा हमारी नानी।
हेलो हेलो नाई नमस्ते निखिल बाबू क्या कर रहे हैं रिलैक्स पूरा एंजॉय कर रहे हैं और क्या चल रहा है आप बताओ पहले आवाज थी चली गई कब आ रहे हो दिल्ली अभी तो लखनऊ नहीं है हाँ वो तो हमें पता है आप लखनऊ में हो 15 दिन से तो माम आ जाओ 16 तारीख को मासी और मामा को ले आओ और क्या गौरव बोल रहे हो पूरा हालचाल वगैरह पूछ करके ये देख रहे हो ये इज्जत है दोस्तों बातचीत वातचीत कर ली गौरव बोल रहा क्या हाँ अरे गौरव ही बोल रहे हैं भाई चलो ठीक है नानी मासी से अच्छा कराओ क्या कह रहे हो सब बढ़िया ही है कुछ गलत होता तो फोन आ ही जाता ओके गाइस थैंक यू सो मच दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज़ व्लॉग इफ यू लाइक द व्लॉग डू सब्सक्राइब टू द चैनल अरे रुक जाओ भैया बर्तन पटक रहे डू सब्सक्राइब टू द चैनल सी यू अनदर व्लॉग वेरी सून मे बी टुमारो मे बी टुनाइट वी डोंट नो बाय